मैं माँ हूँ, धरती माँ। पूजा एक ऐसी भावना है जो उसी मन में जन्म लेती है जिसमें ईश्वर को पहचानने की शक्ति हो। पूजा ईश्वर को धन्यवाद देने का एक ऐसा ढंग है जिसे रीतियों, रूढ़ियों और आडंबरों में सीमित नहीं किया जा सकता। पूजा न बलपूर्वक करवाई जा सकती है, न बलपूर्वक रुकवाई जा सकती है। ये एक स्वैच्छिक क्रिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि देवराज पूजा के प्रदर्शन को इतना महत्व देते हैं कि उसके बंद करवाए जाने का आदेश ही सुनकर आप ऐसे बाहर हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जो देवत्व के अपमान के समान था। मुझे तो ऐसा लगा कि देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों, दोनों घृणा और बैर के धारे में बहकर आत्मविवेक खो बैठते हैं। जानता हूं कि आपका हृदय बहुत कोमल है। किसी की भी पीड़ा आपको विवल कर देती है, उदास बना देती है, और यह तो आपके पौत्र और प्रपौत्र का प्रश्न था। पर अब किया भी क्या जा सकता है महादेवी? विरोचन और बलि के साथ जो कुछ हुआ केवल उसी का दुख होता तो संभवतः सहन भी हो जाता, पर यह दुख असहनीय है कि उनके साथ ये व्यवहार देवताओं ने किया। यदि देवता भी षड्यंत्र और छल कपट पर उतर आएंगे, दैत्यों और दानवों की तरह क्रूर, अत्याचारी और भावनाहीन हो जाएंगे, तो फिर संसार का क्या होगा? देवराज केवल इसलिए पौत्र विरोचन से रुष्ट हुए कि उन्हें अपनी पूजा बंद हो जाने का भय था। ये तो कोई बात नहीं हुई। कल हर वो व्यक्ति जो समाज का थोड़ा भी भला करेगा वो अपनी पूजा कराने की मांग करेगा। फिर पूजा श्रद्धा की भावना से नहीं होगी, वो एक कर का रूप धारण कर लेगी। पूजा पूजा नहीं रहेगी, व्यवसाय और व्यापार बन जाएगी। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। मैं तो दुखी भी हूं और क्रोधित भी, और इसीलिए मैंने देवताओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। पुत्र बतौर धैर्य रखो,
धीरज रखो पुत्र वधु। कैसे धीरज धरोताया श्री, कैसे? एक ही दिन में मेरी मां का सिंदूर मिट गया और मेरी आंखों का तारा भी छिन गया। हे आकाश, क्या कभी तेरी आंखों ने ऐसा निर्मम अत्याचार देखा था? हे धरती, क्या कभी तेरी छाती पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा था? बस करो पुत्री, बस करो। तुम्हारे इस तरह सर पटकने से तुम्हारे पति और पुत्र लौट कर वापस तो नहीं आएंगे? तो फिर मुझे भी उन्हीं के पास भेज दीजिए। हे पिताश्री, यदि अपनी पुत्री के लिए आपके हृदय में तनिक भी प्रेम है तो मुझे उनके पास भेज दीजिए, उनके पास भेज दीजिए। मैं अपने पति की जीता पर जलकर तो ना मर सकी, मुझे अपने पुत्र के साथ जलकर मर जाने दीजिए, मर जाने दीजिए मुझे। बस करो पुत्री, बस करो। तुम्हारे दुख ने तो धरती आकाश को हिला कर रख दिया। मैं शिष्य विरोचन को बचा नहीं सका, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी अनुपस्थिति में हुआ। मेरे पहुंचने पर यदि विरोचन का शव मेरे समक्ष होता तो मैं संजीवनी मंत्र से उसे जीवित कर देता, परंतु कायर इंद्र ने उसके शव को भी जला दिया। सौभाग्यवश बलि का शव मेरे समक्ष है। यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया जाए। Thank you.
पुत्र, पुत्र, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये जीवन आप ही का है, आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए, मेरा ये जीवन भी। ये जीवन मांगना होता तो मैं तुम्हें देता ही क्यों? ये जीवन मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि मैं तुमसे कुछ और मांग सकूं। आदेश दीजिए गुरुदेव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देना ही चाहते हो तो देवराज इंद्र का मुकुट लाकर मेरे चरणों में धर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूं कि तुम विजेता विश्व विजेता बन जाओ। देखा आपने महादेवी, देखा विवेक और संयम से कार्य ना लेने का परिणाम। न जाने देवराज को क्या हो गया है, अच्छी भली शांति छाई हुई थी तो उन्होंने पौत्र विरोचन की हत्या कर दी, वो भी धोखे से। अब बलि उनका शत्रु हो गया है। पुत्र प्रहलाद ने जो शांति का वातावरण बनाया था उसे देवराज ने समाप्त कर दिया। पुत्र प्रहलाद ने जो देवताओं से संधि की थी वो भी टूट गई। हे कमलनयन, अब मुझे चिंता हो रही है। चिंता का विषय ये नहीं है महादेवी कि जो हुआ वो बुरा हुआ, चिंता का विषय तो ये है कि आगे जो होगा वो भी भला नहीं होगा। हे कमलनयन, क्या होने वाला है? महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है। एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं, और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना ये सरल कार्य नहीं होता महादेवी। जानती हूँ कमलनयन, बसी बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती हैं उसे बसाने में। सत्य कहा महादेवी, समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उगते हैं, और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। हे महादेवी, हिरण्यकश्यपु ने जो शत्रुता का विषैला वृक्ष बोया था उसे मेरे भक्त प्रह्लाद ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था, पर अब मुझे यह भय है महादेवी कि प्रह्लाद की तीसरी पीढ़ी में यह विषैला पौधा कहीं फिर से अपना सिर न उठा ले। परंतु हे कमलनयन, इसमें मेरे प्रपौत्र बलि का कोई दोष नहीं, यदि कुछ हुआ तो उसका उत्तरदायी मैं देवराज को ही मानूंगी। मुझे भी बलि से सहानुभूति है महादेवी, निस्संदेह उस पर अत्याचार हुआ है, पर महादेवी यही तो परीक्षा के क्षण होते हैं। इन्हीं क्षणों में यह सिद्ध होता है कि कौन अपना विवेक और संयम खो देता है और कौन खो नहीं देता। देवराज इंद्र ने अपना विवेक खोया, अपना संयम खोया, तो उनके हाथों से एक घोर अपराध हो गया। अब देखना यह है कि बलि अपने विवेक और संयम पर नियंत्रण कर सकता है या नहीं। पांव तले रौंदी जाए तो चींटी भी काट लेती है। बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया उसे देखते हुए मुझे बलि का क्रोध सर्वथा उचित लग रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं महादेवी, पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है, और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। बलि इस समय अपने जीवन पथ के कठिन मोड़ पर खड़ा है। We'll be right back.
ये रथ में तुम्हें भेंट कर रहा हूं शेष। संसार में ऐसा दूसरा रथ कहीं नहीं है। वो कौन सा अस्त्र है जो इसमें नहीं है? वो कौन सा शस्त्र है जो इसमें नहीं है? ये विजयी रथ है, न कोई इसकी राह रोक सकता है, न कोई इसे हानि पहुंचा सकता है। ये विश्व विजयी रथ है, त्रिलोक विजयी रथ। अपने अभियान पर तुम इसी रथ पर सवार होकर निकलोगे। विजय श्री तुम्हारी प्रतीक्षा में सांस थामे खड़ी है। गुरुदेव, विश्व विजयी भव शिष्य, विश्व विजयी भव।